पार्वती जी ने और भी पूछा, फिर ये सारी दुनिया महाराज आपको शिवरात्रि में पूज रही है, है? तो कहां पूजा करने से श्रेष्ठ फल मिलेगा? शिव जी से पूछा पार्वती ने कि आपकी पूजा कहां करने से, आपका लिंग स्थापित कहां करने से अत्यम उत्तम पूजा मिले, फल मिले? तो भगवान नंदी कहते हैं सनत कुमारों से, आज माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर दिया भगवान शिव जी ने। उत्तम फल, भगवान शिव जी का उत्तम फल कहां मिलेगा? तो भगवान शिव जी कह रहे हैं, सुनिए उत्तम फल कहां मिलता है। तो कहा सर्वम सरितान विहंगति, देवी पार्वती अगर किसी को मेरी पूजा का उत्तम फल पाना है तो मेरी स्थापना किसी नदी के तट पर ही होनी चाहिए, किसी नदी के तट पे होनी चाहिए। कौन सी नदी चाहिए जहां पर स्थापना करने का उत्तम फल भक्त को मिले? तो कहा मेरी नदी तट, कोई भी नदी तट हो जिसमें विशेष नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती क्षिप्रा गंडकी नर्मदा गोदावरी गौमती, ये नदी विशेष है पार्वती, अगर इनके तट पर मेरी स्थापना करके कोई भक्त मेरी पूजा करता है अर्चना करता है तो उसे विशेष उत्तम फल की प्राप्ति होगी, दिव्य फल की प्राप्ति होगी। कहा महाराज अगर ये सुविधा, नदी वाली सुविधा, नदी वाला साधन किसी भक्त को नहीं प्राप्त हुआ तो क्या फिर वो आपकी भक्ति कर नहीं सकता, वो कर नहीं पाएगा, और क्या फिर वो भक्ति से वंचित हो जाएगा? तो भगवान शिव कहते हैं नस्तम विभंसितम कर्मम। अरे देवी जैसे अच्छे में अच्छा कुछ हो सकता है वो मैंने कहा है। दूसरा भगवान शिव ने पार्वती को कहा कि जहां भी मेरी भक्ति व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक करता है उसे वहीं मेरी भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है, वहीं उसे फल मिलेगा। मेरी भक्ति वो जहां चाहे वहां कर लो, कहीं भी कर लो, जहां उचित लगे वहां कर लो, जैसा चाहे वैसा कर लो, मेरी भक्ति का फल उसे वहीं मिलेगा। पर उत्तम चाहिए, उत्तम अच्छे में अच्छी भक्ति करनी है मेरी तो किसी नदी के तट पर ही करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? तो कहा यद वैदिकम, मेरे मुख से जो जो अलकार निकला है, ओमकार प्रणव निकला है, उस प्रणव से अक्षर निकले, मंत्र निकले, ध्वनि निकली है, उन्हें कहते हैं वेद मंत्र। ओम कहते हैं उसे, ओम है, ओमकार से जो मंत्र शुरू होते हैं, ओम की ओम से जननी गायत्री, ओम के ओम का जन्म, ओम सॉरी माफ करना, ओम से जन्म हुआ गायत्री का और गायत्री से जन्म हुआ मंत्र का। तो गायत्री के पुट के साथ, ओम के साथ, प्रणव के साथ अकार उकार मकार बिंदु और नांद, इन पांचों बिंदुओं के साथ, पांचों अकारों के साथ में जो मेरी पूजा करेगा वो श्रेष्ठ फल का अनित बनेगा, उसके मनोरथ पूरे होंगे। और कैसे मनोरथ पूरे होंगे? यद पापम कृतम विमुंचितम सर्वम, उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाएंगे अगर उसने वैदिक परंपरा से उचित मंत्रों से मेरी विधि से पूजन किया वर्णन किया। तो कम महाराज आप ये तो बताइए कम से कम आपका शिवलिंग कैसा होना चाहिए पूजा के समय, है? शिवलिंग की अर्चना कैसी हो, पूजा कैसी हो शिवलिंग की? देखिए बिना, आज श्रावण का महीना चल रहा है ना, श्रावण के महीने में भगवान के पूजन की पूरी विधि हमें समझ में आनी चाहिए, है? मौका मिले गंगा पे करके आओ, मौका मिले यमुना पे कर आओ, मौका मिले किसी भी नदी पे कर आओ। अगर मौका नहीं मिले तो फिर हम क्या बिना भक्ति के रह जाएंगे क्या? नहीं, फिर क्या करें? यद वेदम ब्राह्मणम कृतः, है मध्यम, मध्यम कोटि की भक्ति भगवान शिव कहते हैं ब्राह्मण के सानिध्य में, किसी विद्वान किसी मंत्र जाता के सानिध्य में करने से वो मेरी मध्यम कोटि की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। यद रूपम जाता प्रवृत्ति ही, तो क्या महाराज ब्राह्मण न मिले नदी न मिले तो क्या करे भगत? क्या वो तरेगा नहीं, मुक्त नहीं होगा तो वो कैसे करे? तो भगवान शिव कहते हैं जब उसके पास सारे पर्याय समाप्त हो जाएं, कुछ न रहे, तो फिर वो श्रद्धा पूर्वक अज्ञान होकर मेरी भक्ति कर दे, मैं संपूर्ण फल उसे प्रदान कर देता हूं। ये वतम संकरम मूलः, अज्ञान बस अज्ञान हो जाए वो, है उसे कुछ नहीं आता कुछ नहीं जानता, फिर वो कुछ नहीं रहे, फिर वो क्या करे? यद पिंड मूल,
अगर कोई भक्त मेरे एक भी पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करता है, कब? रात्रि, शिवरात्रि में है? नक्षत्र कह दिया, नक्षत्र में भी, पूर्व भाद्र नक्षत्र हो और शिवरात्रि का पर्व हो, तो वो एक भी शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा कर देता है तो पार्वती तुम्हारी तरह उससे मेरा अधिकार हो जाता है। जैसे तुम्हारा अधिकार हो गया मेरे ऊपर, ऐसे ही उसका अधिकार भी हो जाता है।